सर, आज का कार्यक्रम है, किस तरीके से आप जनता को संदेश देंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ रणनीति है आपका? आज ब्राह्मण समाज ने साबित कर दिया है कि जो गुंडे ही करते थे देश प्रदेश में, चाहे वो सपा हो बसपा हो, जिन्होंने ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के नाम पर लूटने का काम किया है, आज ये एहसास हो गया है कि 2019 में हमारी संगठन की मांग है कि देश के राष्ट्र भक्तों की पुकार, देश में फिर मोदी सरकार, माननीय मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग देश में फिर से प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए ब्राह्मण समाज सड़कों पे आ गया है, ये आज साबित हो गया है। और उन लोगों को जो मंत्री बन के जिन्होंने लूटने का काम किया है, और जो लोग जो गठबंधन के बल पर ये दिखाना चाहते हैं कि हम ब्राह्मणों को टिकट दे रहे हैं, वो ब्राह्मणों के सामने ब्राह्मणों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, हम लोग जागरूक हो चुके हैं और पूरे देश में फिर से प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर, SC ST एक्ट लागू होने के बाद तमाम जगह पर भारी संख्या में नोटा दबाया गया था, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं? नहीं नहीं, सवर्णों के लिए 10% हमें आरक्षण मिला है, और माननीय मोदी जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। देश में एक ऐसा नेता हमें मिला है जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, अभिनंदन उसका प्रमाण है, और हम देश के मोदी जी को अभिनंदन का वंदन करते हैं, इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। और आरक्षण हमें दिया है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपनी सरकारों में जब बैठे थे उन्होंने उस समय क्यों नहीं किया, आज वो विरोध कर रहे हैं उस चीज़ का। धन्यवाद।